अब हम बढ़ते हैं हमारे आज कॉर्पोरेट रार में जो हमारे साथ एक बड़ी दिग्गज कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से जो जुड़ रही है वह बजाज इलेक्ट्रिकल्स। बजाज इलेक्ट्रिकल्स आपको पता है लाइट्स और पंखे बनाने वाली देश की बड़ी कंपनी है। इसके अलावा कंपनी ट्रांसमिशन लाइन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में भी है। कंपनी के बिजनेस और आउटलुक पर विस्तार की योजनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शेखर बजाज। मिस्टर बजाज, गुड आफ्टरनून, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी बिजनेस पे स्वागत है। सबसे पहले ये टाइम ऑफ द ईयर जो हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑनसेट ऑफ समर है, कैसी उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग का पैटर्न हम देख रहे हैं कि समर जिस हिसाब से आना चाहिए था वैसा नहीं अभी तक आया है। मतलब मैं बता रही हूँ बॉम्बे में अभी भी इतनी गर्मी नहीं हुई है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस पर? जो हम लोग ने उम्मीद की है कि थोड़ा डिले हुआ है विंटर पर, जो समर होगा वो लंबा समर होगा, तो उस हिसाब से चाहे पंखे हैं चाहे कूलर हैं उनका सेल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और ऑलरेडी जो हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी माल लेके स्टॉक किया है, ये उम्मीद करके कि मार्केट अच्छा रहेगा और डिमांड अच्छी रहेगी। ओके, तो आपको उम्मीद है कि मार्केट और डिमांड अच्छी रहेगी। सर, अगर हम फार्म इनकम की बात करें, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि FY22 तक डबल करेंगे फार्म इनकम, उसके अलावा टैक्स इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए इंटरिम बजट में, आपको क्या लगता है इसके वजह से कितनी हायर स्पेंडिंग कंजम्पशन पे हम देखेंगे, आपकी क्या उम्मीद है उससे? क्या है कि जो लास्ट 3-4 साल में हमने कोशिश करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन को काफी एक्सपेंड टोटल मिलकर लाख आउटलेट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और करीब 600 डिस्ट्रिक्ट्स, जो 621 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में उसमें 600 डिस्ट्रिक्ट तक हम पहुंच गए हैं। और जो फार्म इनकम वगैरह होगी वो पहले वो लोग खर्चा नहीं करते थे, आजकल जो नया न्यू जनरेशन है वो चाहता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल की का भी उनका डिमांड रहता है कि वो भी पिज्ज़ा खाएंगे, वो लोग भी मिल्क शेक पियेंगे वगैरह। तो मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम ग्रोथ जो आएगी वो रूरल मार्केट से आएगी, और वहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से जो छोटी स्मॉल अप्लायंसेज और पंखे में आज विल बी वन ऑफ द बेस्ट। ओके, तो वहां पर आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। प्राइस पे मुझे थोड़ी समझनी है आपसे, 2-3% तक हमने देखा था प्राइस हाइक हुआ था Q3 में, क्या अभी और हेडरूम बचा है कि आपको लगता है अब यही प्राइसेस रहेंगे? मोस्टली हम प्राइस इंक्रीज जितना डिले कर सकते हैं कोशिश रहती है, जब तक इनेविटेबल नहीं होता है तो अभी कोई खास प्राइस इंक्रीज का हम लोग नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मटेरियल जो कमोडिटी प्राइसेस एकदम जो बढ़ गई थी वो थोड़ी घटी, अब वापस थोड़ी बढ़ी है पर अभी जो पीक लेवल नहीं पहुंची है, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि कोई प्राइस इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आइटम में दर्ज हो सकता है इंक्रीज होगी, बट जनरली हम लोग प्राइस इंक्रीज का सोच नहीं रहे। ओके, तो इमीडिएटली तो कोई प्राइस नहीं, कुछ आइटम्स में अगर हम देखेंगे तो शायद हो जाएगा। ओके, एक और सवाल सर, Q3 टॉप लाइन हमने देखा था तो वो काफी बेनिफिट हुई थी ENP सेगमेंट के फास्ट एग्जीक्यूशन, अब क्योंकि इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो गए हैं, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है डिले होंगे पेमेंट्स में, तो क्या Q4 नंबर्स में इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, हमारे पास तो EPC के ऑर्डर्स बहुत बड़े हैं और उसको हमको एक्सिक्यूट तो करना है। जो आप बता रहे हो ये हो सकता है कि पेमेंट कुछ डिले भी हो तो भी अगर एक्सिक्यूट नहीं करें तो और ज़्यादा नुकसान है, पेमेंट अगर डिले हुआ तो फाइनेंशियल नुकसान तो है, कैश फ्लो की थोड़ी टाइटनेस रहेगी, पर अगर आपको ऑर्डर मिला है और वो आप नहीं एक्सिक्यूट करोगे तो आपको आगे करना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए जितना जल्दी एक्सिक्यूट करके 31 मार्च के पहले कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इवन इन द फोर्थ क्वार्टर, जैसे थर्ड क्वार्टर में हमारा सब्सटेंशियल ग्रोथ हुआ, फोर्थ क्वार्टर में EPC में सब्सटेंशियल ग्रोथ होगा कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ओके, तो वो ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट मिस्टर बजाज, ये बताइए कि कितना ऑर्डर बुक है फिलहाल और कितने आप क्लोज करने का सोच रहे हैं, जो नंबर आप हमें बोल रहे हैं आपके पास काफी बड़े ऑर्डर्स हैं, तो वो कितना है और 31 मार्च तक कितना क्लोज हो जाएगा?
मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो ख्याल नहीं आ रहा है कि कितना हो जाएगा 31 मार्च तक, पर ये उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे साल में 4000, लास्ट ईयर 2500 करोड़ किया था ईपीसी में, वो करीब 4000 करोड़ पहुंचेगा, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो लास्ट ईयर करीब 2300 करोड़ किया था वो 2800-2900 करोड़ का होगा, तो 20-25% तो ग्रोथ आएगा इन द एरिया ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और करीब 50-60% ग्रोथ आ जाएगा ईपीसी बिजनेस में। काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है सर, 6800 करोड़ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोजेक्शन है जो आप बता रहे हैं, 50-60% आपका ईपीसी और कंज्यूमर से करीब 20-25% तक आप इजाफा देख रहे हैं, तो वो काफी स्ट्रांग होगा अगर हम बात करें। अब बात करते हैं आपके प्रोडक्ट्स की सर, आप लगातार नए प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो अभी हम कौन कौन से सेगमेंट्स में नए प्रोडक्ट्स देखेंगे? मार्केट भी काफी कंपेटिटिव हो गया है, लगातार दूसरे प्लेयर्स भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आपका वहां पर क्या फोकस रहेगा लॉन्चेस को लेकर? हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं अभी, जैसे पंखा अभी सबसे लेटेस्ट डिमांड आएगी अभी पंखे की, क्योंकि अभी सामने सीजन दिख रहा है, नेक्स्ट 4 महीना है पंखे का, कूलर का सीजन है, तो पंखे में हमने कई नए प्रोडक्ट्स किए हैं और नए मॉडल्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कूलर्स में भी करेंगे, और लास्ट ईयर हमने वाटर हीटर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ, करीब थर्ड क्वार्टर में करीब 50% ग्रोथ हुआ है, तो अभी सीजन आया है पंखे का, तो इसलिए ये सब में, और मिक्सर ग्राइंडर दोनों में नए प्रोडक्ट्स का ही आए हैं। मार्जिन पे आपका क्या व्यू है, क्योंकि आपने देखिए प्राइस हाइक किए थे पिछले टाइम, अभी आप ज्यादा नहीं बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कुछ ही आइटम्स में होगा, तो ओवरऑल मार्जिन कैसे लग रहे हैं इस साल आपके, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में और आगे आने वाले साल में, कोई बेहतर होने की उम्मीद है? कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है उसमें मार्जिन लास्ट ईयर से बेटर होगा, और आगे के साल में भी हर साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है ग्रोथ 20-25% आगे भी सस्टेन कर सकेंगे, ये मेरा मानना है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 10-15% से ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो जो फिक्स कॉस्ट जो हमको 3 साल पहले, क्योंकि हमने नया डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी किया था तो उसमें लूज हो गया, क्योंकि सेल नहीं बढ़ रहा था और फिक्स कॉस्ट बढ़ते जा रहा था, अब रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से हर साल 1% का एबिटा मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए कंज्यूमर प्रोडक्ट में नेक्स्ट फ्यू इयर्स में, तो अभी जो इस साल करीब 6% आएगा तो वो नेक्स्ट 2-3 साल में 4 साल में 8-10% तक हो जाना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, क्योंकि और कंपेटिटर्स कई के जिससे अच्छे मार्जिन हैं, तो हमारा क्यों पीछे होना चाहिए? बिल्कुल, तो आप मार्जिन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं 8-10% तक हो जाना चाहिए। ओके, एक सवाल सर इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर, आई नो आपका फोकस डोमेस्टिक पर अच्छा है, आपका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आप यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, बट एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर आपके क्या व्यूज हैं, वहां से आपको कितना बिजनेस अगले कुछ टाइम में बढ़ेगा, और कौन से मार्केट जैसे गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया, साक, श्रीलंका, ये सब मार्केट्स में कैसा फोकस रहेगा? हमारा इस साल करीब कोशिश हो रही है 100 करोड़ पहुंचने की, मे बी 95 करोड़ तक पहुंच जाएगा, पिछले साल करीब 45 करोड़ था, तो ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ आ गया है ईपीसी बिजनेस टोटल सॉरी एक्सपोर्ट बिजनेस में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 50% प्लस ग्रोथ होते रहेगा एक्सपोर्ट में, क्योंकि एक्सपोर्ट में हमारा मार्केट शेयर बहुत कम है, अगर टोटल अगर 7000 करोड़ के टर्नओवर में अगर केवल 100 करोड़ है, विच इज हार्डली 1.5%, तो 1.5% को नेक्स्ट 3-4 साल में कम से कम 3-4% या 5% तक तो पहुंचना ही चाहिए, तो एक्सपोर्ट में मैं काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब हमारी प्राइसेस भी काफी कंपेटिटिव हो गई है कंपेयर टू चाइना, वो हमारी हो गई है, और प्रोडक्ट्स क्वालिटी सब कुछ इंटरनेशनल, और मार्केट्स के हिसाब से ज्यादा अफ्रीका, मिडल ईस्ट और नेबरिंग कंट्रीज, चाहे श्रीलंका बोले या म्यांमार, ये सब मार्केट्स में ज्यादा बिकेगा, ये हमारा मानना है। थोड़ा साउथ अमेरिका भी सोच रहे हैं, पर यूरोप और अमेरिका में इतना नेक्स्ट फ्यू इयर्स में तो नहीं होगा, पर आगे के लिए वो मार्केट तो सबसे बड़ा है ही।
ओके, तो 45 से आप करीब करीब 100 करोड़ तक का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बिजनेस में, 50% तक की उछाल वहां पर होगी और एक्सपोर्ट मार्केट्स भी आपके प्रव्यू में रहेगा आगे चलकर। मिस्टर शेखर बजाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कंपनी के प्लान्स और आउटलुक और आगे का ऑनसेट ऑफ समर सीजन में आपने क्या प्लान्स रखे हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए महिंद्रा फाइनेंस के मैनेजमेंट से बातचीत। मिस्टर रमेश अय्यर हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कहीं मत जाइए।